नमस्कार ओम शांति कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे सर्वोत्तम भारत देश की जिसके बारे में कुछ अभी हमारे यशपाल शर्मा जी ने इतिहास के बारे में बात की थी आइए ज्यादा समय न गवाते हुए सीधा उनसे ही बात करते हैं कि उसके बारे में और क्या कहना चाहते हैं यशपाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस कड़ी में इसके लिए धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टडी में बुलाया और कुछ कहने का मौका दिया जी हम सर्वोत्तम भारत देश के बारे में बात कर रहे थे आपने बहुत सारी इसकी ऐसी बातें बताई खासकर आप जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे साथ ही साथ उसमें अपने जीवन शैली को भी लेकर आए कि आपके ने आपके साथ क्या-क्या हुआ आपने क्या-क्या किया क्या और जम्मू तो पता नहीं लेकिन कश्मीर के बारे में आप इतनी सुंदरता बता रहे थे कि ऐसा है ऐसा है उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद हम भी उधर जाके आते तो अच्छा होता जैसे जैसे आप बता रहे थे हम वही महसूस कर रहे थे पूरी कोशिश करेंगे एक बार वहाँ जाने की ठीक है हम ले चलते हैं <laughs> <laughs> आगे आपकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं हाँ। भारत जन्नत कहलाता है ये आपने कहा हुँ, हुँ। अनुपम इसके दृश्य नजारे दुनिया का जी बहलाता है भारत के सुंदर आंगन में समस्त प्रात है दीप समान, जिनके श्रम सहयोग से बना है भारत देश महान। पश्चिम में पंजाब प्यारा खड़ग बुझा कहलाता है सहज प्यारी युवा यहाँ का सिंह शवक कहलाता है गुजरात आंध्र केरल मिजोरम महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बिहार हिमाचल हरियाणा उत्तर प्रदेश से बना है भारत का इतिहास बंगाल आसम उड़ीसा तमिल गौरव राजस्थान हमारा त्रिपुरा मणिपुर मणिपुर अरुणाचल से अखंड बना है भारत प्यारा दिल्ली बुद्धि और हृदय है इतिहास का आधार आपने इसमें जो एक हमारा भारत का राष्ट्रीय गान वो पूरी व्याख्या उस तरह से इस कविता में आपने डाल दी है भारत का जब विभाजन हुआ जी। तो ये विभाजन एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पूर्ण था मैंने पहले एपिसोड में कहा है जी कि जो साधारण लोग हैं जो अपनी मेहनत से कमाते हैं और खाते हैं उनके लिए कोई देश बने ना बने उन्हें इस इस बात की कोई चिंता नहीं होती है वो कहते हैं भाई हमने कोई हमें कुर्सी तो मिलनी नहीं है कमाके खाना है रिक्शे वाला रिक्शा चलाएगा किसान हल चलाएगा व्यापारी अपनी दुकान खोलेगा कारो तभी उसे रोटी मिलेगी किंतु ये सब जो मरोड़ है कि मुझे कुर्सी मिलनी चाहिए देश के टोटे एक हों दस हो उन्हें इस बात कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता तो जिना के दिमाग में एक फतूर था कि मुझे बहुत बड़ा लीडर बनाया जाए हिंदुस्तान का और ऐसा इतिहास में देख रहा था कि जिन्ना की इच्छा थी कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए किंतु जी एक आदमी का हट था जब ये बात की सिरे ना लग रही थी जहाँ उसे सर्वोवीय मारने में दूसरे नेता नहीं उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे तो उसने नारा दे दिया मुस्लिम लीग बनाई और जो वो दंड के लोग थे कमबुद्धि के लोग थे उनको पीछे लगाया जे हिंदू काफ्र हैं हम इनके साथ नहीं रह सकते तो उसका आंदोलन बढ़ता 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 बढ़ बढ़ गया और अंग्रेज चाहते थे कि हम देश से कभी वापस ना जाए ऐसा देश हमें नहीं मिल सकता कि जितनी ये चिड़िया सोने की चिड़िया है इसकी चोंच खंभ जो भी है हम वो सारा तोड़ मरोड़ करके लूट पूट करके हम वहां अपने देश को ले जाएं वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे वो चाहते थे ऐसे जन्ना हमें चाहिए ऐसे जागीरदार हमें चाहिए ऐसे जमींदार हमें चाहिए जो हमारा हित पोषण करने वाले हों जो हमारे हमारे लिए लोगों में फूट डाल करके लकी रखें और फूट वो इतने पड़ जाए कि लोग इकट्ठे ना हो और जे जो आजादी के नारे लगाने वाले हैं जे पीछे छोड़ जाएं और देश गुलाम रहे हम इन पे शासन करते रहे mm. ये एक बहुत बड़ी बात है जी. जब इस देश का विभाजन होना था निश्चित हो गया कि ऐसा होना ही है अब तो उस समय पांच सौ पैंसठ थी तो उनको अंग्रेज सरकार ने तीन विकल्प रखे मार्च के सन उन्नीस सौ के मार्च महीने में जहाँ पे लॉर्ड माउंट बेंडन आया तो तीन शर्तें वहां उन्होंने तीन विकल्प बनाए कि भारत का जो विभाजन तो बंगाल का तो पहले ही हो चुका था सिर्फ बंटवारा होना था पंजाब का पंजाब के उनती उन जिले थे उस समय जब अखंड भारत था जी तो लॉर्ड क्लिफ नहीं रेड क्लिफ जो लंडन में लंडन का वकील था उसे जहां पंजाब का बंटवारा करने के लिए बुलाया गया उसे नक्शा दिया गया पंजाब का और उसे कुछ अहलकार दिए गए कर्मचारी दिए गए अफसर दिए गए जो उसका मार्गदर्शन करते थे वो देखते कोई कौन सा इलाका मुस्लिम बहुल वाला है वो पाकिस्तान को दिया जाए और कौन सा इलाका जो हिंदू जहाँ पे हिंदू जनसंख्या ज्यादा है वो हम भारत के साथ जुड़े तो नक्शे के ऊपर ही रेड क्लिफ ने ये पंजाब की बांट की थी तो अगला प्रश्न था कि पांच सौ पैंसठ को साथ कैसे जोड़ा जाए पुरुष सरदार पटेल वो जितने बुद्धिमान थे उतना नर्म दिल भी थे और सख्त भी थे वो बहुत जब वो किसी बात की ठान लेते थे वो पीछे नहीं हटते थे उन्होंने जो रियासतों के राजे थे उन्हें कहा कि भैया हमारे मतभेद हजारों हो सकते हैं किंतु अंग्रेजों ने उसके पीछे और जो हमलावर आए हैं हमारा हमारी जो फूट है यो हमारा विखंडन है रियासतों के रूप में उन लोगों ने हमारा पूरा फायदा उठाया है आओ भारत याद होने जा रहा है आओ मिल बैठ करके इसका संविधान बनाएं तो अपने गिले शिक में छोड़ो जब हम एकता में बल होता है उन उनको समझाया तो उस समय 284 जो राजे थे वो संविधान सभा में बैठने के लिए तैयार हो गए बाकी नहीं आए किंतु वो जानता था कि ये कैसे आने हैं। उन्होंने घोषणा की रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में जी। कि यो राजे ये समिति हैं कि हम मनमानी करेंगे भारत संघ में नहीं आएंगे मैं उनसे सख्ती से पेश आऊंगा तो वो जानते थे ये चीज क्या है लव पुरुष की बात करते लौह पुरुष क्यों कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं कि वो वो बहुत बड़े वकील थे तो किसी मुकदमे की के लिए पैरवी के लिए वो बहस कर रहे थे तो एक आदमी आया उन्होंने एक टुकड़ा दिया वो तार थी टेलीग्राम उन्हें जैसे देखी और जेब में डाल दिया जब बहस खत्म हुई तो उसने जज को दूसरे साथी को बताया कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है उन्हें कहा कि यार जी इतना ये ये लौ पुरुष है जिस आदमी की पत्नी मर जाए वो आदमी तो दीवाना हो जाता है तो उसके बाद बाद में जाकर के उन्होंने अपनी पत्नी का संस्कार किया तो उस दिन से उसका नाम उन्हें लौ पुरुष रखा गया सो so, उनके उनके यत्न से जो उन्हें घोषणा की कुछ प्यार से कुछ दलील से कुछ सख्ती से 14 अगस्त उन्नीस तक पाँच सौ इकसठ रियासतें रियासतों के राजाओं ने भारत में विलय करने का घोषणा कर दी जी। जो घोषणा पत्र थे उन पर हस्ताक्षर कर दिए और चार रह गई चार में से कश्मीर थी हैदराबाद था हैदराबाद थी जूनागढ़ था सो यो हैदराबाद का निजाम था हैदराबाद की जो रियासत थी वहाँ पे हिंदू ज़्यादा थे मुस्लिम कम थे तो हैदराबाद के निजाम ने पाकिस्तान को पता नहीं कितने लाखों का कर्ज दिया कि तू एक मुस्लिम देश है और एक इस्लामिक देश बनने जा रहा है मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ तो मैं तुम में बिले होना चाहता हूँ किंतु सिमाएँ उसके साथ लगती नहीं थी वो तो भारत के पेट पेट में एक नया आ, नया पाकिस्तान था एक नया फोड़ा था भारत के पेट में सरदार पटेल ने देखा जी ऐसे काबू नहीं आएगा ऐसा कहते हैं कि उसे बुलाया गया कि आओ कोई बात नहीं चाय का प्याला है। बैठते हैं वो बातचीत करते हैं तो सरदार पटेल ने पहले ही वो सारे कागज तैयार रखे थे और बीच में दराज में एक पिस्टल भी था अच्छा है वैसे जब मैं पढ़ा ऐसा नहीं है तो ऐसा मुझे कुछ जानकारों ने बताया कि उसे बिठाया चाय पानी पिलाई तो उसे दलील दी कि नवाब साहब आप अपनी रियासत का भारत में बिलय कर दे जो भारत एक संघ है संघ में मिल जाइए नवाब नहीं माना नहीं माना तो उसने पहले ही तैयारी कर रखी थी पिस्टल निकाला और उसका निपटी रख दिया कागजे रख दिया कहता क्या चाहते हो जीवन चाहिए या रियासत चाहिए सोच लो कर्मचारियों को कह दिया कि जो भागने की कोशिश करेगा इसको गोली मार दो इसको पहले तो ये मेरी गोली से ही नहीं बचेगा अगर मुंह से बच गया जैसे ही उठ करके निकलता है इसे निकलना दिया जाए कांपते हाथों से उस अनुबाप ने दस्खत किए उसे कहा निकलो यहाँ से बाद में अपनी सेनाएं भेजीं और हैदराबाद के ऊपर कब्जा किया इन्होंने एक रियासत जो जम्मू कश्मीर रह गई इसमें जवाहरलाल नेहरू ने हस्तक्षेप किया कि मैं यहाँ का वासी हूँ इससे मैं अपने ढंग से देखता हूँ यो रियासतों के बिले का एक मंत्रालय था उसका इंचार्ज सरदार पटेल के साथ था उसके हाथ में था जब इसे परे किया गया तो ये परे होती 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 गई एक बात और बताना चाहता हूँ मैं सरदार पटेल जी दिसंबर के आधे माह में उन्नीस को वो आदमी जहां से चल बसा उसका कारण क्या था कि नेहरू जी प्रधानमंत्री हो गए वो उप प्रधानमंत्री था नेहरू जी उससे उसे, उसे करते रहे होते रहे परे होते रहे उसके मन में कुड़न पैदा हो गई ऐसा कहते हैं बाद इसी बात में कुड़न के कारण उनको हृदय की बीमारी हुई और दिसंबर पंद्रह उन्नीस सौ पचास को वो इस संसार से कूच करके किंतु भारत को जाते जाते एक एक भारत बना गए तो जितनी ये हमारा देश जो है एक संघ है अर्जियों का एक संघ है पंजाब है और हरियाणा पंजाब हिमाचल की बात करते हैं जो ग्यारह जिले हमें मिले थे उस समय तो एक नवंबर उन्नीस को इसके भी राजनेता थे उन्होंने इसकी बात करते हिमाचल अलग हो गया पंजाब छोटा सा रह गया मतलब हरियाणा अलग हो गया हाँ, भारत इतना बड़ा होने के बावजूद भी हाँ। अलग 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 छोटे छोटे हम इसका एक सकारात्मक पक्ष ये देखते हैं ये भी देखते हैं कि जितना छोटा रजे होगा <coughs> उसको देख रेख वहां का मुख्यमंत्री उतनी ही आसानी से कर सकता है इसीलिए मध्य प्रदेश का कुछ भाग और बिहार का कुछ भाग एक नए और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग जो तलांगन रूप में अलग हुआ तो ये सारे हैं तो भारत का ही एक अंग है जी किंतु एक चीज बड़े दुख की बात लगती है कि किसी चीज को मरवाने के लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं तोड़फोड़ का प्रयोग करते हैं ये बात नहीं होनी चाहिए संविधान में हमें अधिकार है कि हम अपनी बात रखें जी। सरकार के कानों तक पहुंचाए ये जो साड़ है, हमारी सार्वजनिक संपत्ति है ये संपत्ति है जी। ऐसी नहीं होना चाहिए साढ़ फूंक नहीं होनी चाहिए प्रदर्शन हो अधिकारों की बात हो किंतु वह शांति में ढंग से होनी चाहिए ये जो गलत तत्व हैं ये दूसरे देश हैं अमेरिका है फ्रांस है यूके है जो जैसे देश हैं, वहां पे दो दो पार्टी हैं या किसी देश में तीन तीन, तीन पार्टियाँ होंगी तो वो एक पार्टी अगर आ, अपने घोषणा पत्र के मुताबिक काम नहीं करती है तो उसे बदल करके दूसरी बार लोग दूसरे उसे 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 चुनते हैं किंतु भारत जो है इसमें अनेक पार्टियाँ हैं वो अपने मतलब के लिए केंद्र सरकार को वो दबाव भी रखती हैं कि हम आपको समर्थन तब देंगे दे जब आप हमारी ये बात मानोगे सो so, दुर्भाग्य से कुछ ऐसा समय आया इस देश के ऊपर तो पचास साल कांग्रेस ने राज किया जी। और फिर अनेक पार्टियों से मिलकर के बात आई कुछ देर वो ऐसा चलता रहा उस दौर में जब अनेक पार्टियों बनी और एक बार तो अपने टहल अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ने भी ऐसे सरकार चलाई किंतु तो उससे देश कमजोर हुआ क्योंकि हर जो पार्टी है वो चाहती है कि मेरे मतलब कि मेरा मैं जो चाहता हूँ वो किया जाए अनेक पार्टियाँ बीस बाईस पार्टियाँ हैं किस किस की बात को माना जाए जब वो बात है ये ये नहीं करना है वो नहीं करना है तो इससे जो दूसरे देश हैं वो उसका फायदा उठाते हैं जहाँ जिस घर में क्लेश हो होगा कहते घर का बेदी लंका डाए जिस घर में कलह पैदा हो जाता है वहां पर शरारती तत्व होते हैं करवा दो जी केंद्र सरकार के लिए आ, हम ऐसी उलझन पैदा करें कि जी आगे ना निकल सके देश ऐसे कमजोर होता है hmm. ऐसा नहीं होना चाहिए <laughs> भारत काफी दुख तकलीफों से जूझकर हाँ, आगे बढ़ा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल अनेकों जब देश हमारा याद हुआ तो हमारे पास था क्या हमारे संसाधन इतने विकसित हम संसाधन नहीं थे आर्थिक रूप से हम पिछड़े थे ना हमारे पास कृषि का इतना नई तकनीक थी ना विज्ञान की थी ना आने जाने के साधन जो संचार की सुविधा है वो नहीं थी धीरे धीरे हमारे नेताओं ने प्रधानमंत्री हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए श्रीमती इंदिरा गांधी आए उसके बाद राजीव गांधी आए फिर दूसरी सरकारें आई भारतीय जनता पार्टी के जनता पार्टी की सरकार आई वो जिसके प्रधानमंत्री मुरारी साई रहे हैं उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी में बाली है अब नरेंद्र मोदी जी की बारी है सो सभी सभी ने जितना हो सकता है अपनी सरकारों अपने मंत्रियों संतियों के सहयोग से इस देश का चौमुखी विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ना पहले थी ना अब है। मतभेद यद्यपि जितने मर्जी पार्टियों के रहे हूँ किंतु एक बात वो जानते हैं कि हमारा भारत सबल होना चाहिए हमारा भारत मजबूत होना चाहिए और हर क्षेत्र में जे अग्रणी होना चाहिए किसी देश से पीछे नहीं रहना चाहिए ये आगे क्या आपकी पंक्तियां हैं शक्ति चेतन गुण इसका यह सुंदरतम चिराग है भाषाएं धर्म नाना वेश रिवाज जातियां हैं अनेक लगते भिन्न भिन्न देखने को एकता सूत्र प्रेम का एक गंगा यमुना की धाराएं निस् दिन बहती रहती हैं ऋषियों मुनियों, भक्तों के अमर देश सुनाती हैं अमर संदेश सुनाती हैं रावी सतलुज ब्रह्मपुत्र गोदावरी कृष्ण चैन हमारा नाना नदियों के जल से खुशहाल बनेगा भारत हमारा समय समय पर ऋतुएं आए धरती धरा का है श्रृंगार तुझे बनाने वाला रूप सी ठग जाता है तुझे निहार तेरा हर कण रहस्यमय जग से आदित्य है हर बात एक बार जो दर्शन कर ले स्वप्न में भी रहे उदास त्रिलोक से सुंदर भारत यह गुणशील आगार है प्रेम शांति और अहिंसा जीने का यह आधार है आत्म तत्व ज्ञाता भारत धर्म गुरु कहलाता है परमार्थ जीवन का लक्ष्य मोक्ष द्वारा कहलाता है यह धरती है अवतारों की देव मोहित है इसे निहार संसार में सुंदरता संसार में सुंदरतम भारत पूज्य मंगलमय चिराग इतनी व्याख्या तो शायद ही कहीं भारत की हमने सुनी होगी नहीं मैं एक छोटा सा कवि हूँ यहाँ निराला जी सुमृतन पंत जी कवित्री महान महादेवी वर्मा जी हुई हैं ये एक हिंदी के चार स्तंभ माने जाते हैं। जी तो इनकी कविता कविताएं जो हैं या इनके जो महाकाव्य हैं, उन्हें देख करके जहां पढ़ते हैं तो हमारा शेष झुकता है चार स्तंभ हिंदी के कहे गए हैं इनका मैंने वर्णन किया है भारत ने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया भारत ने दुनिया को अध्यात्म ज्ञान दिया गांधी जी का सत्याग्रह अहिंसा के मार्ग पे था इसका नारा सबसे पहले आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने भी कहा था का अहिंसा परमो वो धर्म अहिंसा नहीं होनी चाहिए वो हमारी मन बानी कर्म से हमें हिंसा नहीं करनी है और गीता में भी भगवान ने बार बार कहा है कि किसी का मन दुखना नहीं चाहिए अगर हम किसी का मन दुखाते हैं उसे कष्ट देते हैं तो एक रूप में हम देखा जाए तो वो एक हिंसा है और एक बात और जी महाभारत के एक पर्व में महाभारत का एक ऐसा हिस्सा है जहां पे भीष्म पितामह ने एक बात कही है कि देश को अखंड रखने के लिए देश को अखंड रखने के लिए चाहे हरियार युद्ध करने पड़े इस बात की राजा को परवाह नहीं करनी चाहिए नहीं। कि यानी जो देश एक बना है वो अखंड बना रहे ये भी बात है ये नहीं कि हम हथियार डाल करके बैठ जाए और शत्रु हमारे सर के ऊपर चढ़ के आ जाए ऐसी बात नहीं है देश की रक्षा करना उसकी जनता की रक्षा करना सीमाओं की रक्षा करना ये वहाँ के हुक्मरानों का काम है ये पार्ट उनका है तो नदियों की बात करते हैं भागीरथी जी ने ऋषि भागीरथी जी ने अपने पितरों का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना की थी और कहते हैं कि जो गंगा है ये स्वर्ग से निकली है और श्री हरि के विष्णु के चरणों से निकली है तो उस समय सोचा गया कि अगर ये गंगा की धारा सीधी ही धरती के ऊपर गिरेगी तो धरती फट जाएगी इस काम के लिए भगवान शंकर को लगाया गया कि पहली जो धारा आने वाली है वो कैसे होगी उसने कहा मेरी जटों में आने दो इसको कोई बात ही नहीं है कहते हैं भगवान शंकर ने अपनी जटाएं खिलाई जो गंगा की तारा स्वर्ग से आई वो सीधी उनके सिर पर आई और जटों में कहते कितनी देर तक वो उलझती रही उसके बाद गंगा आगे निकली सो गंगा का जल जो है वो हमारे जितने भी हमारे कार्य होते हैं शुभ कार्य होते हैं उसका गंगा के जल का प्रयोग किया जाता है और हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक जैसे किसी प्राणी का संस्कार किया जाता है और अस्थि विसर्जन गंगा में जाके किया जाता है ऐसा विश्वास है कि जिसकी हड्डियां गंगा जी में प्रवाहित की जाती हैं वो स्वर्ग हो जाता है वो नरक हो नहीं जाता <laughs> यद्य जी आस्था इसमें मेरा विश्वास नहीं है मेरा भी विश्वास कर्म के ऊपर है और बुद्ध ने और हमारे ऋषि मुनि ने पीर पगबरों ने ये माना है कि आदमी का जो यो, यो कर्म है कर्म के आधार के ऊपर जाती है ना के जन्म के आधार के ऊपर जाती नहीं है ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्र इसके गीता में बहुत अच्छी व्याख्या की है कि ब्राह्मण भोग है जिसे ब्रह्मा का जिसे ब्रह्म का ज्ञान है या यो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो चल पड़ा है और ब्राह्मण के कर्म क्या है वो निश्चित किए गए हैं महाराज मनु ने भी मनुस्मृति में इसकी इसकी बांट की है कि ब्राह्मण पढ़ेगा और पढ़ाएगा दान देगा और दान लेगा और क्षत्रिय राजपूत लोग इनका काम क्या है कि अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना जैसे सिंह की तरह खड़े रहे उनका यही कारण है और वैश्य ये खेती बाड़ी का काम करेंगे क्रेब क्रे विक्रय का का पशु पालन करेंगे और जो दूध जे बो सब्जियां सब उगाएंगे और दूसरे जो वर्ग हैं जो उनको भेजेंगे और शूद्र शूद्र का मत जैसे सेवा में जैसे अस्पताल वाले हैं मरीज होता है उसकी सेवा करते हैं जिस चार बागो बांटा अगर एक, एक बाप के चार बेटे हैं तो कृषि में लगाएंगे तो बाकी जो बाकी करेंगे? का क्षेत्र हैं वो छूट जाएंगे गीता में भी इस तरह की इसकी व्याख्या की गई है और मनु स्मृति ने मनु महाराज ने भी ऐसी इसकी व्याख्या की है यमुना की बात करें तो यमुना कृष्ण के नाम से जानी जाती है कृष्ण और गोपियों की आ, की जो वहाँ पे बांसुरी बादन और गोपियों के चीर हरण जी अक्सर हम अपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं ब्रज की बात करते हैं मथुरा की बात करते हैं और कालिया नाग को नथने की बात करते हैं हम ऐसा मानते हैं कि कालिया नाग था या नहीं ये दूसरी बात है भगवान कृष्ण एक निर्वकारी देवता हुए हैं उन्होंने अपने पांच विकारों को काबू काबू किया जिन्हें हमें कालिया नाग कहते हैं जी, जी, तो जी, जी। ये जो धरती है ये पीरों की है फकीरों की है पैगम्बरों की है ये एक महान धरती है बुद्ध की धरती है शंकराचार्य की धरती है और हजरत मोहम्मद साहब की धरती है जिन्होंने प्रेम के संदेश दिए लोगों को परस्पर में प्रेम बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा कि लोगों को एक जीने का राह दिखाया ये सारा कुछ जो है कि भारत की धरती पे हुआ है जिसका हमें बहुत ही गर्व है हम गर्व से कह सकते हैं भारतवासी है। जहाँ इतना कुछ है किसी देश में इतना कुछ नहीं है दुर्भाग्य की बात है कि भारत का विभाजन हुआ और चंद्रा गवार जो है हमारे पले पड़ गया पाकिस्तान जो हमें जीने नहीं देता है सुदरे का किसी दिन बाहर सुधार करके रखेगा उसको ऐसी नीति चल रही है जे जे पड़ोसी को भी हम बच्चू बना लेंगे कि किसी न किसी मोड़ पे आकर के <laughs> <laughs> आपने सर्वोत्तम भारत देश की व्याख्या की आपने इसको लिखा भी बहुत सुंदर रूप से और इसकी व्याख्या भी आपने बहुत सुंदर रूप से की अगली कविता में आपके साथ ही इस कार्यक्रम में इसी समय में पधारेंगे अभी हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों यशपाल शर्मा जी की हर कविता एक ना एक इतिहास देती है एक ना एक कुछ सीखने का उमंग उत्साह पैदा करती है अगली कड़ी में कौन सी ऐसी कविता है ये अभी हम नहीं बताएंगे उसी समय तय किया जाएगा कि कौन सी कविता यशपाल शर्मा जी लेकर आए हैं अगली कड़ी में आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार ओम शांति ओम शांति